share together. रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की लास्ट फिल्म जग्गा जासूस थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो गया था। इस वजह से काफी समय तक शूटिंग लटकी रही और फिल्म काफी दिनों बाद रिलीज हुई। इतना ही नहीं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। सभी हैरान थे कि आखिर दोनों के ब्रेकअप की वजह क्या थी। एक पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने कैटरीना के लिए अपना प्यार जाहिर किया था। वो पहली बार था जब रणबीर कैट और अपने रिलेशन के अलावा सलमान के बारे में भी बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ही लोग हैं जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। भगवान ने सही चीजों को पहचानने की शक्ति दी है जिससे हम अपनी राह चुन सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं, तब रणबीर ने कहा था कि हाँ, मेरा परिवार, अयान और कैटरीना, ये लोग मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से हैं। इसी इंटरव्यू में जब रणबीर से कैटरीना के एक्स सलमान के साथ कंपेयर किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है। मैं उनके स्टारडम को अभी छू भी नहीं पाया हूँ। अगर किसी की बुरी फिल्म भी हिट होती है तो वो सुपरस्टार होता है। बता दें कि इन दिनों रणबीर और आलिया के अफेयर की चर्चा हर कोई जानता है। वहीं कैटरीना को लगता है कि रणबीर आलिया को लेकर सीरियस नहीं है और वो जल्द ही आलिया का दिल भी तोड़ देंगे। वेल, अपने एक्स के बारे में कैट से बेहतर और कौन जान सकता है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।